अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं जिना एवेन्यू चेक पोस्ट 6 से जो रोड टूवर्ड सफूरा चौक जाता है उसकी तरफ। और मेन मकसद इस वक्त यह है कि कुछ टाइम पहले हमने इस रोड की वीडियो बनाई थी, उस वक्त काम चल रहा था रोड के ऊपर, रोड कटिंग वगैरह का। और अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक साइड, एक तरफ का ट्रैक जो है उस पर कारपेटिंग स्टार्ट हो गई है। इस वक्त जिस ट्रैक पर हम ट्रेवल कर रहे हैं ये इस वक्त आम ट्रांसपोर्ट के लिए खुला हुआ है, और जो राइट हैंड पे हमारे जो ट्रैक है वो इस वक्त कारपेटिंग का काम उसमें जारी है। ये इस वक्त जो हमारा रुख है वो सफूरा चौक से टूवर्ड्स मलिर कैंट चेक पोस्ट 6 की तरफ है, जहाँ जिना एवेन्यू, साइमन जिना एवेन्यू भी है, फैल्कन हाउस का गेट भी बन गया है वहाँ पे। तो वो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं कि रोड कंडीशंस क्या है। अगर पॉसिबल हुआ तो दूसरे ट्रैक पे भी जाके देखेंगे और आपको रोड कारपेटिंग की कंडीशन दिखाने की कोशिश करेंगे। इस रोड पे जितने भी ऐसे पॉइंट्स, ऐसी जगह जहाँ पे रोड में खड्डे थे या वेवी रोड था, उस जगह के पूरे पूरे पीस इन्होंने कट कर दिए, और वो कट करके जो है वो अब कारपेटिंग के लिए उसको बिल्कुल प्रिपेयर कर दिया। अच्छा देखें, यहाँ से डाइवर्जन दिया हुआ है, हमारे सामने से गाड़ी आ रही है, ये वाइट कार है, ब्लैक कलर वाली कार जो आ रही है, जो कट ले रही है। ये सारी गाड़ियाँ चेक पोस्ट 6 साइमन जिना एवेन्यू चेक पोस्ट 6 की तरफ से आ रहे हैं, और टूवर्ड सफूरा इनका ट्रेवल है। तो यहाँ से इन्होंने डाइवर्जन दिया है क्योंकि इससे आगे रोड कारपेटिंग का काम चल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं, जा सके, नहीं जा सके तो फिर हम आपको दूसरे साइड से जाके विजिट कराते हैं। जी उस तरफ की तो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकी, लेकिन अब हम वापस सफूरा की तरफ हम ट्रेवल कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे होंगे इस वक्त हम टाउन हाउसेज 21 लेफ्ट हैंड पे जो हमारे हैं, जो बंगलोज आपको दिख रहे हैं, ये टाउन हाउसेज 21 कहलाते हैं, ये क्रॉस कर रहे हैं। और इस जगह पे तो अभी कारपेटिंग स्टार्ट नहीं हुई, इसे थोड़ा आगे स्टार्ट हो रही है, हो चुकी है। और डाइवर्जन इसलिए वहाँ पे दिया है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर कट बना हुआ था, उसके बाद कोई कट बीच में आता नहीं है। अब जो कट आएगा, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है उसके पास है, और वहाँ से फिर लोग, एक स्कूल भी है, द कल्टिवेटर स्कूल, वहाँ प्रॉपर कट दिया गया है। अब आप अगर देखें तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मशीनरी काम करती हुई दिखेगी, डंपर भी मौजूद है, डामर उसमें फुल लोडेड हुआ हुआ है। ये पैच जो है, ये ट्रैक जो है, इन्होंने कटिंग कर रखी है, होपफुली एक से दो दिन में इस तरफ की भी कारपेटिंग ये लोग कर देंगे। ये देखिए हमारे लेफ्ट हैंड पे इस वक्त सारी कारपेटिंग हुई भी है, और इन्होंने टेम्परेरीली बंद किया हुआ है ताकि नई कारपेटिंग है, इस वक्त रोड जो है वो खराब ना हो। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मजीद अपडेट्स मिलती रहेंगी, अपडेट करते रहेंगे हम। आप इस वक्त तो की लेटेस्ट अपडेट यही है कि इस पैच के ऊपर जो टूवर्ड्स सफूरा से चेकपोस्ट 6 की तरफ जो जाने, सॉरी चेकपोस्ट 5 की तरफ जाने वाला जो ट्रैक है उसमें कारपेटिंग स्टार्ट कर दी है इन्होंने, और इंशाल्लाह 2 to 3 डेज में ये ट्रैक जिस पे इस वक्त हम करंटली ट्रैवल कर रहे हैं ये भी कारपेटिंग हो जाएगी। और जैसे इस पे कारपेटिंग होती है और मजीद इस पे BRT रेड लाइन, क्योंकि यहाँ से हम सफूरा की तरफ जो जा रहे हैं तो सफूरा पे BRT रेड लाइन का काम स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है इनफैक्ट, वहाँ पे भी काम चल रहा है सफूरा वाली साइड पे। मौसमियात और यूनिवर्सिटी रोड का तो आप लोग देख ही चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर, ये देखिए जी यहाँ के ऊपर ये काम चल रहा है, अभी छिड़काव कर रहे हैं डामर का, और उसके बाद के ये डामर पिघला के इसके ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, फिर प्रॉपर डामर डाल दिया जाएगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मजीद अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।